नगर निगम की टीम द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को रखे दुकानदारों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। भविष्य में इन दुकानदारों के पास प्रतिबंधित पॉलीथीन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। प्रतिबंधित पॉलीथीन को बेचने और उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा टीम गठित की गई है। दल के अंजनी सिंह के नेतृत्व में शहर के बाजारों में छापा मार कार्रवाई कर झिल्ली पन्नी बेचने वालों के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए दुकानदारों से 10,400 रुपये अर्थदंड वसूला गया और भविष्य में प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन जो प्रतिबंधित हैं उन पर भिलाई निगम की टीम आयुक्त महोदय के निर्देश पर कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोगों पर जुर्माना वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत में 9 लोगों से जो है उनकी झिल्ली पन्नी और प्रतिबंधित प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करते हुए 10,400 रुपये जुर्माना 9 लोगों से वसूला गया है और शहर में यह एक अभियान की तरह निगम इसको चला रहा है। तो मेरी नगर परिषद निगम भिलाई की ओर से अपील है कि इस प्रकार के जो प्रतिबंधित प्लास्टिक हैं उसका उपयोग न करें और विक्रय न करें। बहरहाल नगर निगम की टीम के कार्रवाई के बावजूद शहर के बाजारों में प्रतिबंधित पॉलीथीन की खरीदी बिक्री में अनेक लोग सक्रिय हैं जिन्हें किसी भी तरह की कार्रवाई का खौफ नहीं है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।